बताऊंगा आज आपको कि हमारा माइंड बेसिकली काम किस तरह करता है। ये है वो सारी वर्किंग जो कि हमारा माइंड कर रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें इसका अंदाजा ही नहीं होता। हमें नहीं पता होता कि हमारी सोचें किस तरह क्रिएट हो रही हैं, हमारे इमोशंस किस तरह क्रिएट हो रहे हैं, बॉडी सेंसेशंस किस तरह हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक बिहेवियर सर्टेन हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर ये वर्किंग आपने समझ ली कि हमारा माइंड काम किस तरह करता है, तो यकीन कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। ये आप आज़मा के देख लीजिएगा। सो सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं कि आप एक मार्केट में जा रहे हैं और आपके पाँव पे किसी दूसरे शख्स का पाँव आ जाता है। अब अगर आप नेगेटिव थिंकर हैं तो आप एक नेगेटिव थॉट को क्रिएट करने वाले हैं। पहले सिचुएशन हुई, अब नेगेटिव थॉट आप क्रिएट करेंगे। नेगेटिव थॉट ये हो सकती है कि उस शख्स ने जान के मेरे पाँव पर पाँव रखा है। अब थर्ड नंबर पे क्या होने वाला है, एक इमोशन क्रिएट होने वाला है और वो इमोशन होगा एंगर का इमोशन। आपने एक नेगेटिव थॉट क्रिएट की, नेगेटिव इमोशन आपका पैदा हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी सेंसेशन, अब आप अपनी बॉडी में चेंजेस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं और वो चेंजेस कुछ इस तरह के होंगे कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, आपको स्टमक में इवन पेन होना भी स्टार्ट हो सकती है। अब ये चार स्टेप्स हुए। नंबर वन सिचुएशन, आपने नेगेटिव थॉट क्रिएट की, उसके बाद इमोशन आपका एंगर का, फिर चौथे नंबर पे बॉडी सेंसेशन जो कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हुई, और अब पांचवें नंबर पे आप क्या करने वाले हैं कि आप एक बिहेवियर परफॉर्म करने वाले हैं और आप शाउट करेंगे उस शख्स पे। आप मार्केट में लड़ाई करने वाले हैं। अब हुआ क्या कि एक सिचुएशन ने आपके माइंड में ये चेंजेस कर दिए। और मज़े की बात यह है कि ये बेसिकली डोमिनो इफेक्ट है, यानी अगर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसमें आपकी बॉडी सेंसेशंस भी चेंज हो सकती हैं। बॉडी सेंसेशंस चेंज हो रही हैं, आपके इमोशंस चेंज हो सकते हैं, इमोशंस चेंज हो रहे हैं, थॉट्स चेंज हो सकती हैं, थॉट्स चेंज हो रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो सकती है। अब इसमें अगर लेट्स सपोज अगर हम सिचुएशन को बीच में से माइनस कर देते हैं, थॉट्स चेंज हो रही हैं, उसमें इमोशंस चेंज हो रहे हैं, इमोशंस चेंज हो रही हैं, आपके बॉडी सेंसेशंस चेंज हो रहे हैं, बॉडी सेंसेशंस चेंज होने के बाद बिहेवियर चेंज हो रहा है, और बिहेवियर के बाद ऑटोमेटिकली हमारी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। सो ये बड़े मज़े की गेम है जो कि समझने की ज़रूरत है। अब लेट्स सपोज कि हम डेली बेसिस पे हमारा जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह का है कि हम वॉक कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर पॉजिटिव बिहेवियर है। ऑटोमेटिकली बिहेवियर से हम क्या करने वाले हैं, अपनी बॉडी सेंसेशंस को चेंज करने वाले हैं। वॉक के दौरान वो जो आपकी हार्ट बीट है वो थोड़ी सी तेज़ होगी, और ये बड़ा अच्छा साइन होता है कि आप उसमें अपने हार्ट को भी प्रैक्टिस में लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, बॉडी सेंसेशन के बाद इमोशंस, इमोशंस के बाद थॉट्स, और थॉट्स के बाद ऑटोमेटिकली आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये वो सारी बेसिकली चीज़ें हैं जो कि CBT में सिखाई जाती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हमें सिखाई जाती हैं। और जो शख्स भी इवन डिप्रेशन में होता है उसके साथ एक टेक्निक जो कि यूज़ की जाती है ज़्यादातर, वो ये यूज़ की जाती है कि उसकी थॉट्स के ऊपर ज़्यादातर काम किया जाता है, और उन थॉट्स को चेंज करके ऑटोमेटिकली उसके इमोशंस को चेंज किया जाता है, बॉडी सेंसेशंस उसकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं, और इस तरह उसका बिहेवियर और सिचुएशन सारा कुछ। अब एक शख्स अगर एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है तो एंग्जाइटी में हम CBT को कैसे अप्लाई करेंगे, सारी वर्किंग को कैसे अप्लाई करेंगे एंग्जाइटी में, क्योंकि उसे खौफ होता है कि फ्यूचर में मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई अनसर्टेन चीज़ जो मेरे साथ होने वाली है अगर मैं उसमें सही तरह परफॉर्म ना कर पाया तो मेरे साथ क्या होगा। सो इसमें जो CBT की टेक्निक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो ये होती है कि उस शख्स को ये कहा जाता है कि आपने उस अपने फियर को फेस करना है, इसे कहते हैं कि एक्सपोज कर देना है आपने उस शख्स को फियर की तरफ, उस सर्टेन सिचुएशन की तरफ। उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली यही सारा जो मैंने अभी आपको समझाया ये सारा डोमिनो इफेक्ट आप देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो कि यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे ब्रेन के हवाले से, वो ये है कि ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं, इंटरमीडिएट बिलीव्स होते हैं, और उसके बाद कोर बिलीव्स होते हैं। ये तीनों चीज़ें भी इंटरलिंक्ड हैं। एक चीज़ अगर चेंज हो रही है दूसरी चीज़ भी चेंज हो रही है, तीसरी चीज़ भी चेंज हो रही है। ऑटोमेटिक थॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमेटिक थॉट्स में बेसिकली आप जब एक सोच सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक दूसरी सोच भी आपके माइंड में पॉपअप होती है, और वो सोच कुछ इस तरह की होती है कि लेट्स सपोज आप अपने बॉस के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो सडनली आपके माइंड में एक थॉट आती है कि अगर मेरे बॉस को पता चल गया कि मैं इस प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे MS Word इतना अच्छा नहीं आता, तो फिर मेरे साथ क्या होगा। अभी ऑटोमेटिकली एक थॉट है जो कि पॉपअप हुई है।
अच्छा, उसमें इंटरमीडिएट बिलीफ भी होती हैं। इंटरमीडिएट बिलीफ्स क्या होते हैं, इसमें ज़्यादातर आपको मस्ट और शुड्स मिलते हैं, इफ़ एंड देन की स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। ये भी लोगों का बिलीफ होता है कि अगर मैं ज़्यादा पतला हो गया तो उसमें लोग मुझे जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं समझेंगे, तो ये उनका क्योंकि इफ़ एंड देन स्टेटमेंट्स इसमें आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, फिर कोर बिलीफ की अगर हम बात करें तो अक्सर लोगों का कोर बिलीफ कुछ इस तरह का होता है कि दुनिया जो है वो बड़ी जालिम है, दुनिया से आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अभी उनका कोर बिलीफ है। और कोर बिलीफ को चेंज करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब एक इंसान का बिलीफ बन जाता है कि दुनिया जालिम है और दुनिया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करने वाली, तो फिर आप उसको जितना मर्जी समझा लें उसने बार बार वही बात करनी है। तो इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक आपने अप्लाई करनी होती है, और वो टेक्निक आप CBT की उसमें अप्लाई करते हैं, और आप उसमें क्लाइंट के साथ एक स्पेसिफिक होकर बात करते हैं, आप उसे जनरल वे में बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट कर क्या रहा है कि क्लाइंट आपका जो है वो जनरल वे में बात कर रहा है, वो पूरी दुनिया की बात कर रहा है, और इसमें ऑब्वियसली उस शख्स के साथ कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा कि जिसकी वजह से उसका ये बिलीफ बन गया है, और वो कोई एक स्पेसिफिक इवेंट होगा, किसी शख्स ने उसे हर्ट किया होगा और उस सिचुएशन में वो पावरलेस फील कर रहा होगा। तो अब आपने वो जो उसका एक्सपीरियंस उसने किया उस चीज़ के साथ आपने डील करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप उसका जो कोर बिलीफ है इसे चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे। इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो क्योंकि अभी आपने ये चीज़ सीख ली है कि होता क्या है कि आपके साथ वो सिचुएशन हुई, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव सोचना है। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पॉजिटिव सोचा आपके ऑटोमेटिकली आपने अपने इमोशंस पे काम कर लिए, अच्छे इमोशंस आपने क्रिएट कर लिए, उसके बाद बॉडी सेंसेशंस और फिर बिहेवियर। तो इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को इनवाइट कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। तो जब आप कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप प्रॉब्लम को एज अ स्टेपिंग स्टोन देखते हैं तो यकीन कीजिएगा कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा मिशन ये है कि मैं बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर सकूँ, और उसके लिए सबसे पहले मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, मैं खुद नई चीज़ें सीख और उसके बाद मैं वही चीज़ लोगों को सिखाता हूँ, लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप भी इस मिशन में मेरा साथ दीजिए, आप भी जो नई चीज़ सीख रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।